हमने इस लेक्चर में हमने पढ़ना है जो डिफ्यूजन में जो जो कुछ सॉरी पैसि ट्रांसपोर्ट में जो 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 कुछ हो रहा है उनको इंडिविजुअली हम इसमें पढ़ेंगे ओके सो स्टार्ट विथ एक्वापोरेंस जब यहाँ पर हमने जिक्र किया था uh, वाटर सॉलेबल सिंपल डिफ्यूजन का जिसके अंदर वाटर सॉलेबल आती थी ठीक तो so, तो है वाटर सॉलेबल सबसे ज्यादा तो उसमें वाटर चैनल डिस्कस किए थे एक्वापोरेंस डिस्कस किए थे देन लाइग एनगेटेड एंड वोल्टेज गेटेड चैनल्स डिस्कस किए थे सो एक्वापोर वो पोर्स जिनके अंदर से एक्वा पास करेगा यानी कि वाटर तो वह है एक्वापोर अब ये सेल मेमब्रेन के अंदर पोर्ज होते हैं अब ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं ये बेसिकली प्रोटीन से बने होते हैं ओके सो दीज आर प्रोटीन पोर्स इन सेल मेम्ब्रेन अब इसमें से क्या क्या गुजर सकता है वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस एक्वापोरन के अंदर से गुजर सकते हैं अब ये कितनी टाइप्स के होते हैं तो ये थर्टीन टाइप्स के होते हैं एक्वापोर ठीक है अब एक्वापोर कोई भी पोर है तो ये पोर है मिसाल के तौर तो पर अब कौन सी चीज डिफाइन करेगी कि इसमें से क्या गुजरेगा या इसमें से क्या नहीं गुजरेगा नंबर वन तो साइज ऑफ द पोर ठीक है अगर बड़ा साइज है तो बड़े साइज की चीज अंदर से गुजरेगी अगर इट्स द पोर इज ऑफ स्मॉल साइज तो फिर छोटे साइज के आय जी मॉलिक्यूल्स उसके अंदर से गुजर सकेंगे दूसरा पॉइंट जो कि डिफाइन करेगा कि क्या इसके अंदर से गुजर सकता है क्या नहीं है वो है इसका इलेक्ट्रिकल चार्ज अब एक्पोरन के अंदर जो प्रोटीन्स हैं अगर उनके जो चार्ज उनके ऊपर होगा उससे ऑपोजिट चार्ज की मोलिक्यूल्स को वो अट्रैक्ट करेंगे ठीक है तो एक्वापोरस बेसिकली सिलेक्टिव हैं ठीक है और यानी कि किसी चीज़ को पास करने देते हैं अपने अंदर से और किसी को नहीं करने देंगे अब इसकी जो थर्टीन डिफरेंट टाइप्स हैं कोई बड़े साइज के आयंस को अंदर से पास करने देगी कोई छोटे साइज के आयन को अंदर से पास करने देगी देगी कोई पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास करने देगी कोई नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास करने देगी ठीक है तो इनकी एक्वापोरेंस की जो सिलेक्टिविटी है ये दो चीज़ें डिफाइन करती हैं नंबर वन डायमीटर एंड नंबर टू उनका इलेक्ट्रिकल चार्ज ठीक है अच्छा अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पोटेशियम चैनल एंड सोडियम चैनल पोटेशियम चैनल वो चैनल है जिसके अंदर से पोटेशियम पास करेगा सोडियम चैनल के अंदर से सोडियम आयंस uh, पास करेंगे अब ये भी बेसिकली प्रोटीन सब यूनिट्स से ही बने होते हैं ये चैनल्स भी ठीक है अब प्रोटीन सब यूनिट्स किस तरह के होते हैं तो ये इसकी डायग्राम है पोटेशियम चैनल की ये अगर आप देखें सो दिस इज द इन ब्राउन दिस इज द सेल मेमब्रेन ठीक है और ये पूरे का पूरा पोटेशियम चैनल है अब इस पोटेशियम चैनल में फोर प्रोटीन्स हैं दिस रेड वन इज अ प्रोटीन ठीक है एक प्रोटीन यू आएगी ये दूसरी प्रोटीन ये तीसरी प्रोटीन और ये चौथी प्रोटीन दी आर द फोर प्रोटीन्स तो ये फोर प्रोटीन्स सब यूनिट से मिलके बनते हैं अच्छा फिर उसके बाद और ये बीच में से ये चैनल है और ये है जनाब पिंक में आपको जो नजर आ रहे हैं ये हैं पोटेशियम आइंस अब पोटेशियम आयन ऐसे बाहर से आएगा और यहां से अंदर पास कर जाएगा इस पोटेशियम चैनल के अंदर से अच्छा अब स्ट्रक्चर पे अगर आए तो प्रोटीन सब यूनिट्स के साथ साथ इन फोर प्रोटीन सब यूनिट्स के साथ पोर लूप्स भी होती हैं दीज ग्रीन वंस आर दी पोर लूप्स ठीक है एक इस साइड पर पोर लूप है और एक इस साइड पे पोर लूप है ठीक है अब होता क्या है कि जो पोटेशियम चैनल है ना वो जब यहां पे आता है तो वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है ठीक है पोटेशियम चैनल ऐसे ही नहीं आता वो वाटर के साथ अटैच्ड यहां तक आता है अपने चैनल तक तो हम देखेंगे हाइड्रेटेड पोटेशियम आयन पोटेशियम चैनल से पास करने के लिए आएगा अब जैसे हाइड्रेटेड आयन यहां पर आएगा तो होगा क्या This hydrated potassium ion will interact with the कार्बोनाइल ऑक्सीजन ऑफ दी पोर लूप्स पोर लूप्स के ऊपर लगा हुआ है कार्बोनाइल ऑक्सीजन वो कार्बोनाइल ऑक्सीजन क्या करेगा पोटेशियम आयन के साथ जो वॉटर लगा हुआ है उसके साथ अटैच हो जाएगा ठीक है पोर लूप्स के ऊपर ये जो ग्रीन कलर की हैं इनके ऊपर लगा हुआ कार्बोनाइल ऑक्सीजन वो कार्बोनाइल ऑक्सीजन पोटेशियम चैनल के साथ जो वाटर लगा होगा उसके साथ बाइंड कर लेगा ठीक है और जब बाइंड कर लेगा तो पोटेशियम चैनल को वाटर से अलहदा कर देगा और जब पोटेशियम चैनल वाटर से अलहदा हो जाएगा तो पोटेशियम चैनल इसके अंदर से पास कर जाएगा ठीक है अगर बेसिकली पोटेशियम चैनल के अंदर से पास करने के लिए यहां पे आके पोटेशियम चैनल का इंटरेक्शन इन ग्रीन पोर लूप्स के साथ होना लाजमी है तो पोटेशियम चैनल इन पोर लूप्स के साथ इंट्रैक्ट किस तरह करते हैं वो इंटरेक्ट इस तरह करते हैं कि पोटेशियम चैनल के साथ जो वाटर लगा होता है तो वो वाटर इन पोर लूप्स के कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ इंट्रैक्ट करता है बाइंड कर जाता है और जब वो इंट्रैक्ट करता है तो फिर वाटर को से डिटैच कर देते हैं और फिर पोटेशियम को आगे भेज देते हैं ठीक है तो इस तरह ये पोटेशियम आयन आगे जाता है अब अगर ये पोटेशियम आयन हाइड्रेटेड ना हो तो इन पोअर लूप्स के साथ पोटेशियम आयन का इंट्रैक्शन नहीं होगा और पोटेशियम आयन आगे पास नहीं कर सकेगा ठीक है अब जो सवाल पूछा जाता है इसके स्ट्रक्चर और पोटेशियम चैनल से रिलेटेड वो ये है कि सोडियम आयन जो है ठीक है सोडियम आयन जो है वो क्या पोटेशियम चैनल के अंदर से गुजर सकता है या नहीं गुजर सकता अब हमने कहा था कि यूजुअली दो चीजें हैं जो डिफाइन करती हैं किसी भी चैनल में से कोई चीज गुजर सकती है या नहीं एक तो चीज का साइज कितना है और दूसरा उस चीज का चार्ज क्या है उस आयन का ठीक अब जाहिरी बात है अगर कोई चीज पोटेशियम आयन से बड़े साइज की होगी तो वो पोटेशियम चैनल से नहीं गुजर सकेगी क्योंकि वो तो यहां से गुजरते गुजरते बीच में फंस जाएगी ठीक है अब अगर कोई पोटेशियम अगर चलो एक तो ये चीज होगी क्योंकि इससे बड़े साइज की कोई चीज इसमें से नहीं गुजर सकेगी अच्छा दूसरी चीज पोटेशियम आयन से छोटे साइज की किसी चीज को इसमें से गुजर जाना चाहिए क्योंकि उसका साइज छोटा है ठीक है अच्छा अब दूसरी चीज हम देखते हैं अब इस पॉइंट पे वापस आते हैं क्या छोटे साइज की चीज गुजरेगी या नहीं गुजरेगी आइडियली अगर हम देखें तो साइज छोटा तो गुजर जाना चाहिए अच्छा दूसरी चीज हमारे पास आती है इलेक्ट्रिकल चार्ज पोटेशियम चैनल का पोटेशियम आयन का चार्ज क्या है पॉजिटिव और इसके अंदर जो प्रोटीन सब यूनिट लगे हुए हैं उनका चार्ज क्या है नेगेटिव तो ये नेगेटिवली चार्ज तो बेसिकली कोई भी पॉजिटिव आयन जिसका साइज पोटेशियम से छोटा है वो इसके अंदर से गुजर जाना चाहिए क्यों क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स ठीक है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगी वो आ जाएगा और अगर तो उस पॉजिटिव का साइज़ पोटेशियम से छोटा है तो उसको इसके अंदर से गुजर जाना चाहिए जो अभी तक हमें समझ आती है ये मैं नेगेटिव चार्ज लगा दिया ऊपर ठीक है मगर होता ये है जनाब के सोडियम जो आयन है अब सोडियम आयन का चार्ज भी पॉजिटिव है और सोडियम आयन का साइज़ भी पोटेशियम से छोटा है तो अगर हम देखें तो यार तो है भी पॉजिटिव आयन ये तो आराम से यहाँ से गुजर जाना चाहिए और उसका सा, उसका साइज़ भी छोटा तो भी ये गुजर जाना चाहिए मगर ऐसा नहीं होता सोडियम आयन पोटेशियम चैनल में से नहीं गुजर सकता अब इसकी वजह ये है बेशक साइज छोटा और चार्ज पॉजिटिव होने के बावजूद नहीं गुजर सकता रीजन बिहाइंड के कोई चीज़ उस वक्त तक नहीं गुजरेगी जब तक वो हाइड्रेटेड नहीं होगी और उसका जो हाइड्रेटेड वर्जन है उसका साइज इतना बड़ा नहीं होगा कि वो हाइड्रेटेड आयन कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट कर सके अब जब सोडियम आएगा तो सोडियम का साइज इतना छोटू सा है ठीक है अब उस सोडियम की अगर हाइड्रेशन भी हुई हुई है तो वो इतना छोटा सा है कि उसकी वो हाइड्रेटेड सोडियम आयन के जो वाटर है वो कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे और जब इंट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो कार्बोनाइल ऑक्सीजन वो वाटर को डिटैच करके उस पॉजिटिव आयन को आगे किस तरह भेजेगा जब इंट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो इस वजह से सोडियम आयन सवाल पूछ जाता है कि सोडियम आयन का साइज़ भी छोटा है चार्ज भी पॉजिटिव है फिर भी ये इसके अंदर से क्यों नहीं गुजर सकता उसकी रीजन ये है कि जनाब जो हाइड्रेटेड सोडियम आयन होगा उसका भी साइज इतना छोटा होगा कि वो दोनों साइड के ऑक्सीजन के पोर लूप के जो ऑक्सीजन है उनके साथ इंट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा और जब तक इंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तब तक वो अंदर मूव नहीं कर पाएगा ठीक है तो ये था पोटेशियम चैनल और उसकी सिग्निफिकेंस अब आते हैं सोडियम चैनल सोडियम चैनल में से सोडियम पास कर जाती है ठीक है अब सोडियम चैनल भी जिस तरह इसमें प्रोटीन सब यूनिट्स थे इसी तरह अमाइनो एसिड्स जो हैं वो सोडियम चैनल की अंदर वाली लाइनिंग पे लगे होते हैं और अमाइनो एसिड्स का चार्ज क्या है नेगेटिव ठीक है तो अब क्या होता है कि जनाब जिस तरह इसमें भी नेगेटिव चार्ज था इसी तरह सोडियम चैनल में भी नेगेटिव चार्ज है अंदर अमाइनो एसिड की लेयरिंग लगी हुई है और सेम जिस तरह यहाँ पे हाइड्रेटेड पोटेशियम आयन आया था इसी तरह सोडियम चैनल के अंदर हाइड्रेटेड सोडियम आयन आता है और अपनी हाइड्रेशन लूज करता है और सोडियम चैनल के अंदर एंटर हो जाता है ठीक है प्रोटीन्स के ऊपर अमाइनो एसिड्स हैं जिन्होंने प्रोटीन को बनाया हुआ है उनके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज तो हाइड्रेटेड सोडियम आयन आता है अपनी हाइड्रेशन लूज करता है और अंदर एंटर हो जाता है ठीक है अच्छा जी अब सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल की गेटिंग के बारे में हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते, करते हैं जिसके अंदर के हम वोल्टेज गेटेड और लाइग एंड केमिकल गेटेड उनको हम डिस्कस करेंगे ठीक है ओके सो कमिंग टुवर्ड्स हियर नाउ वी गोइंग टू डिस्कस गेटिंग ऑफ प्रोटीन चैनल्स पीछे हमने पोटेशियम चैनल पढ़ा है सोडियम चैनल पढ़ा है मैंने कहा हम अगली में आके हम उनकी गेटिंग भी डिस्कस करेंगे इस पोटेशियम और सोडियम चैनल की तो ये जनाब ये तस्वीरें बनी हुई हैं ये सोडियम चैनल है और ये पोटेशियम चैनल है और ये बाहर सोडियम चैनल का गेट बंद लगा हुआ है और ये सोडियम चैनल का गेट खुल गया और ये पोटेशियम चैनल का गेट लगा हुआ है और ये पोटेशियम चैनल का गेट खुल गया ठीक है तो इस तरह हमने गेटिंग पढ़नी है अच्छा अच्छा अब होता क्या है दो तरह की गेटिंग होती है यानी कि दो तरह के गेट ये एक होती है वोल्टेज गेटिंग और एक होती है केमिकल गेटिंग ठीक है यानी कि ये नहीं कि आप गेटिंग से मुराद है कि कौन सी चीज उस गेट के खुलने और बंद होने को डिफाइन करेगा तो वोल्टेज गेटेड चैनल्स वो चैनल्स होते हैं विच रिस्पोंड्स टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक्रॉस सेल मैमब्रेन वोल्टेज गेटेड चैनल वो चैनल होते हैं विच रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक्रॉस सेल मैमब्रेन अब इसकी दो एग्जाम्पल्स है वोल्टेज गेटेड की एक सोडियम चैनल जो ये बना हुआ एक पोटेशियम चैनल जो ये बना हुआ ठीक है अब ये जनाब ब्राउन वाली ये है सेल मेम्ब्रेन और ये सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस बने हुए सोडियम चैनल और ये पोटेशियम चैनल ये आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन है ये इनसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन है आपको पता है कि सोडियम कहाँ ज्यादा होता है इनसाइड द सेल या आउटसाइड सोडियम होता है आउटसाइड द सेल ज्यादा तो यहाँ पे सोडियम ज्यादा है और पोटेशियम होता है इनसाइड द सेल ज्यादा यहाँ पे पोटेशियम ज्यादा है अंदर वाली तरफ अब सोडियम चाहता है क्योंकि सोडियम बाहर ज्यादा क्वांटिटी में है तो सोडियम चाहता है कि बाहर से अंदर की तरफ मूव करे और चूंकि अंदर पोटेशियम ज्यादा है तो पोटेशियम चाहेगा कि अंदर से बाहर की तरफ मूव करे मगर जनाब ये सोडियम चैनल का गेट जो है ना ये बंद पड़ा होता है ऐसे करके यानी कि यह सोडियम चैनल है ना तो इसके ऊपर ऐसे करके गेट लगा होता है जब तक गेट ऐसे करके खोल नहीं जाएगा तब तक सोडियम अंदर नहीं जा सकेगा ठीक है तो पहले ये वाली स्टेट होती है बंद पड़ा होता है अब ये गेट खुलेगा किस तरह क्या ऐसा सिग्नल है कि गेट खुलेगा क्या कोई केमिकल आके लगेगा तो ये गेट खुलेगा नो 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 वो तो केमिकल गेटेड गेटेड चैनल होता है द मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है ठीक है अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो डिफाइन करेगा कि भाईजान ये गेट खुलेगा या नहीं खुलेगा या बंद रहेगा अब ऐसा क्या सिग्नल है जो इस गेट को खोल देगा तो वो सिग्नल है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का चेंज है और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का चेंज किस तरह का एग्जैक्टली exactly किस जगह पे क्या चेंज आए तो जनाब जैसे ही इनसाइड द सेल या इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन पॉजिटिविटी होती है या कहें कि नेगेटिविटी कम होती है तो ये सोडियम चैनल का गेट खुल जाएगा जैसे ही इनसाइड साइड देख नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर अगर हम देखें तो आउटसाइड द सेल इज मोर पॉजिटिव एंड इनसाइड इट्स मोर नेगेटिव ठीक है अब इनसाइड नेगेटिव है और आउटसाइड पॉजिटिव है अब किसी भी तरह कहीं से भी लीकेज ऑफ किसी आयन की वजह से किसी जगह से भी अगर इनसाइड द मेम्ब्रेन या इनसाइड द सेल सॉरी अगर पॉजिटिविटी क्रिएट होगी या इनसाइड जो नेगेटिविटी है वो लेस नेगेटिविटी होगी यानी कि वो रिलेटिवली पॉजिटिव होगा तो ये स्टिमुलस है फॉर द ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स यानी कि जैसे ही इनसाइड द मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज होगा इनसाइड साथ ही गेट खुल जाएगा ठीक है और जैसे ही इनसाइड नेगेटिविटी होगी तो दैट इज अ स्टिमुलस फॉर क्लोजिंग द गेट्स और जो स्टिमुलस सोडियम चैनल्स को खोलता है सिमिलर स्टिमुलस ही पोटेशियम चैनल्स को खोल देता है स्टेमुलस क्या है इनसाइड का इनसाइड द मेम्ब्रेन पॉजिटिव होना सोडियम चैनल को खोल देगा और इनसाइड द मेम्ब्रेन पॉजिटिव होना ही पोटेशियम चैनल को खोल देगा फ़र्क इतना है कि जब सोडियम चैनल खोलता है तो सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आता है मगर जो पोटेशियम चैनल खोलता है तो पोटेशियम अंदर से बाहर की तरफ जाता है और दूसरा फर्क यह है कि सोडियम चैनल का गेट अगर आप देखें तो बाहर की तरफ है और पोटेशियम चैनल का गेट अंदर की तरफ है अच्छा ये तो हो गया वोल्टेज गेट इस तरह केमिकल गेटिंग में क्या होता है कि उसमें जो भी चैनल होता है दैट इज नॉट रिस्पोंड्स टू वोल्टेज चेंज दैट रिस्पोंड्स टू सम केमिकल सब्सटेंस कि कोई केमिकल आके बाहर बाइंड करता है तो फिर वो चैनल खोल जाता है अब इसकी बहुत फेमस मिसाल है एसिटाइल कोलिन गेटेड चैनल्स कि जैसे ही एसिटाइल कोलिन आके इन चैनल्स के बाहर लगेगी तो वो चैनल्स खुल जाएंगे ठीक है अब इसे टाइल कोलिन गेटेड चैनल्स कहां पे होते हैं नर्व टू नर्व ट्रांसमिशन में एंड नर्व टू मसल ट्रांसमिशन में ये एक नर्व ये एक नर्व है ये दूसरी नर्व है अब यहां से सिग्नल इस नर्व पे जाना है तो क्या होगा ये नर्व इसटाइल कोलिन रिलीज करेगी और वो इसटाइल कोलिन जाके इन रिसेप्टर पैक्ट करेगा और ये रिसेप्टर्स खोल जाएंगे ठीक है और ये केमिकल गेटेड चैनल है सेम इज द केस विद मिसाल के तौर तो पर यह मसल फाइबर है ठीक है और ये नर्व है नर्व आई इंपल्स लेके आई और यहां से रिलीज हुआ इस एंड से और वो स्टाइल जाके मसल पे लगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन सो नर्व टू नर्व नर्व एंड टू मसल ट्रांसमिशन में एसिटाइल द फेमस मसलिन गेटेड चैनल्स यूज होते हैं ठीक है अब इनकी करेक्ट्रिस्टिक क्या है इसटाइल कोलिन गेटेड चैनल्स भी अंदर से नेगेटिवली चार्ज होते हैं यानी कि जब ये नेगेटिवली चार्ज होंगे तो अपने अंदर से किसी भी पॉजिटिव या अनचार्ज आयन को पास होने देंगे नेगेटिव विल रिपेल अदर नेगेटिव चार्जेस बट इट विल अट्रैक्ट अदर पॉजिटिव चार्जेज एंड इट विल नॉट डू एनीथिंग टू अनचार्ज यानी कि पॉजिटिव और अनचार्ज आयन इसके अंदर से आसानी से पास कर सकते हैं अच्छा जो गेटिंग है ना चैनल्स की ये ऑल और नन लॉ फॉलो करती है ऑल और नन लॉ से मुराद है कि एक स्पेसिफिक पोटेंशियल पे या तो तमाम गेट्स खुले होंगे या तमाम बंद होंगे या तमाम खुले होंगे ऑल आर ओपन और नन विल बी ओपन ठीक है यानी कि एक स्पेसिफिक पोटेंशियल पे तमाम खुले होंगे और एक दूसरा पोटेंशियल होगा जिसपे तमाम गेट्स बंद होंगे और उन दोनों पोटेंशियल्स के बीच वाला जो पोटेंशियल है उस पर वो गेट खुलता बंद होता रहेगा ठीक so, इस है इसको हम कहते हैं ऑल और नॉन लॉ मिसाल के तौर पर जी अगर इनसाइड माइनस नाइनटी मिलीवोल्ट से माइनस सिक्सटी पे जब पोटेंशियल जाता है सपोजिटली तो सोडियम चैनल खोलते हैं तो माइनस सिक्सटी पे एकदम से सारे सोडियम चैनल खोल जाएंगे और माइनस सिक्सटी वन पे कोई सोडियम चैनल नहीं खोला होगा सो दैट इज ऑल और नॉन कमिंग टुवर्ड्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज नर्स पोटेंशियल डिफिकल्ट टू अंडरस्टेंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट वेरी सिंपली अब होता क्या जनाब लॉस्ट पोटेंशन ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और इसके दोनों साइडों पर नेगेटिवली चार्ज आय ठीक है जी ये एक मैमब्रेन है और इसके दोनों साइडों पर नेगेटिवली चार्ज आईंदा अगर हम इसको टाइम देंगे तो जाहिर बात है दोनों साइडों पे इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे दोनों साइडों पे इक्वल नंबर ऑफ इधर भी अगर आप काउंट करें तो ये सिक्स नेगेटिव चार्जेस हैं और इधर भी सिक्स नेगेटिव चार्जेस हैं और जितने इधर से इधर मूव कर रहे हैं उतने इधर से उधर मूव कर रहे हैं तो दोनों साइडों पर एक बैलेंस मेंटेन हो गया है इन दोनों तरफ इधर भी माइनस सिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज इधर भी माइनस सिक्स है इलेक्ट्रिक चार्ज कॉन्ट्रेशन अगर हम देखें तो इधर भी नंबर ऑफ पार्टिकल सिक्स हैं इधर भी नंबर ऑफ पार्टिकल सिक्स हैं तो कॉन्सेंट्रेशन भी दोनों साइडों पर इक्वल है और चार्ज भी दोनों साइडों के भी इक्वल है ठीक है अच्छा अब एक्सपेरिमेंटल तौर पे हम क्या करते हैं कि अगर इस ही मेमब्रेन की एक साइड यहां पे हम इलेक्ट्रोड लगा के मेम्ब्रेन पे एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज दे देते हैं इस मेम्ब्रेन की तो क्या होगा ठीक है मैं कह रहा हूँ इसी मेम्ब्रेन की इस है, अगर इसी मेम्ब्रेन की एक साइड पे हम पॉजिटिव चार्ज राइट साइड पे पॉजिटिव चार्ज देते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव चार्ज देते हैं तो क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगा के तो होगा क्या कि ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये कोशिश करेंगे इस पॉजिटिव साइड पर जाने की क्योंकि यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया ठीक है तो कुछ इस तरह की स्टेट आ जाएगी ठीक है ये मेम्ब्रेन है वही इसके इधर हमने इलेक्ट्रोड्स लगा के पॉजिटिव चार्ज दिया और इसके इधर नेगेटिव चार्ज दे दिया तो जाहिर बात है सारे नेगेटिव आय हैं ये तो पॉजिटिव साइड पे मूव करने की कोशिश करेंगे बिकॉज ऑपोजिट अट्रैक्ट एंड सेम रिपेल्स सेम चार्ज तो ये इस तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे ठीक है पहले यहां पर छे छे थे अब क्या हुआ यहां से ये दो आय उठ के यहां पर चले गए तो एक तरफ चार रह गए और दूसरी तरफ यहां से दो काम हुए और वो दो यहां से उठ के यहां पे आ गए ठीक है तो ये इससे इस, इस तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे ठीक है अच्छा तो अब क्या यहां पे रुक जाएंगे मूव करने और मूव करेंगे तो यहां से यहां पे मूव करने की कोशिश करी जाएंगे अच्छा अब मजेदार बात यह है कि आप ये देखें कि पहले तो बड़ा बैलेंस स्टेट थी अब क्या हुआ तो हमने पॉजिटिव अप्लाई कर दिया था ना तो उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव यहां से यहां आ गए मगर इस यहां से चार्ज को बैलेंस करने के चक्रों में अगर आप गौर करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अन ईवन हो गए हैं पहले तो छ छ नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे मैं चार्ज की बात नहीं कर रहा छ थे यहां पे आप देखें यहां पे छह से कम होकर चार रह गए और यहां से छह से बढ़ के आठ हो गए तो यहां पे आठ पार्टिकल्स हो गए और यहां पे चार पार्टिकल्स हो गए यानी कि अब हम हाँ ये देख सकते हैं कि यहां पे बेशक इस तरफ पॉजिटिविटी ज्यादा है और ये नेगेटिव आइन्स यहां इस पॉजिटिविटी को न्यूट्रल करने के लिए आ रहे थे मगर इस चक्कर में इस तरफ कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से ज्यादा होगी तो अब होगा क्या कि इस तरफ चूंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मूव करती है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन तो आप ये गौर करें कि चार्ज तो इसको यहां से यहां फेंकने की कोशिश कर रहा है मगर कॉन्सेंट्रेशन यहां से यहां फेंकने की कोशिश करेगी ठीक है और एक ऐसा टाइम आएगा कि जब जो चार्ज यहां से यहां पुश कर रहा है और कॉन्सेंट्रेशन यहां से यहां पुष्ट कर ये दोनों बैलेंस हो जाएंगी मिसाल के तौर पे पॉजिटिविटी हमने अप्लाई की पहले इधर छः थे छः में से दो इधर चले गए ठीक है अब हुआ क्या यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई तो अब ये कॉन्सेंट्रेशन यहां से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहां से यहां पुश करने की कोशिश करेगा तो रेड में जो है ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की फोर्स है और ग्रीन में जो है ये इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की फोर्स है और यू करते करते एक लेवल ऐसा आएगा कि जिस पे के मूवमेंट ऑफ आयंस रुक जाएगी ये लेवल क्यों इसमें क्या होगा जितना के इलेक्ट्रिकल ग्रेडिएंट लेफ्ट से राइट right की तरफ पुश कर रहा है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट राइट से लेफ्ट की तरफ पुश कर रहा है और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगी और जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगी तो फिर नेट मूवमेंट ऑफ आयंस रुक जाएगी और जब नेट मूवमेंट ऑफ आयंस रुक जाएगी तो उस वक्त अगर हम नोट करें तो दोनों साइडों पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है यानी कि यहां पे क्या है माइनस सिक्स सेवन एट नाइन टेन और यहां पे माइनस टू तो ये कितना हो गया माइनस एट का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन मेंटेन हो गया है और इस पोटेंशियल डिफरेंस को कि जिस पोटेंशियल डिफरेंस पे इलेक्ट्रिकल फोर्सेस आर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फोर्सेस दैट इज नोन एज नर्स्ट पोटेंशियल हमने क्या किया दोनों साइडों पे एक जैसे आयंस थे यहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया इलेक्ट्रोड से एक्सपेरिमेंटली जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया नेगेटिव आए इधर से मूव करके इधर आ गए अब नेगेटिव फोर्सेस तो इसको राइट साइड पर खेचनी है मगर कॉन्सेंट्रेशन यहां ज्यादा होने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन की फोर्स फ्रॉम हाई टू लोअर होती है तो वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आनी शुरू हो गई है तो इलेक्ट्रिकल रेडियंट इस तरफ फोर्स लगा रहा है मगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इस तरफ फोर्स लगा रहा है अब कौन सी फोर्स जीतती है करते करते इतने ज़्यादा इधर मूव कर जाएंगे कि इलेक्ट्रिकल फोर्स विल बी न्यूट्रलाइज बाय कॉन्सेंट्रेशन फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट विल बी न्यूट्रलाइज बाय इक्वल एंड ऑपोजिट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो उस मौके पे मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो चार्ज डिफरेंस होगा उसको हम नर्स्ट पोटेंशियल कहते हैं अब आपको यार ये इतनी लंबी कहानी मुझे सुना दी है हम लोगों को सुना दी है तो इसका फ़ायदा क्या है ये तो बड़ा एक्सपेरिमेंटल सा काम लग रहा है अब ये एक्सपेरिमेंटल हमने किया था आपको समझाने के लिए मगर असल में अब नॉर्मल सेल मेम्बरेन के क्रॉस क्या होता है नॉर्मल सेल मेम्बरेन पे अगर ये नॉर्मल है उन उसके क्रॉस क्रॉस भी एक नर्स पोटेंशियल होता है वो क्यूँ डिवेल अब उसमें तो हम कोई इलेक्ट्रॉन लगा के आर्टिफिशियली एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव नहीं ना करते उसमें दो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिकल ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है नर्स पोटेंशियल जनरेट होता है वो दो चीज़ें क्या होती हैं कि वो नॉर्मल बॉडी की जो मेम्ब्रेंस हैं वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती हैं पहली चीज़ और दूसरी चीज़ उनके अंदर आयोनिक पम्प्स होते हैं अब सिलेक्टिवली परमिएबल होने से क्या होगा सिलेक्टिवली परमिएबल होने से ये होगा कि भाई मिसाल के तौर पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस था कोई आयन पास कर गया और कोई आयन अपने साइज़ की वजह से या चैनल्स के ना होने की वजह से दूसरी तरफ रह गया। तो कंप्लीटली एक न्यूट्रलाइज स्टेट दोनों तरफ बन ही नहीं सकती पहली चीज़ दूसरी चीज़ अगर बन भी रही हो तो वहाँ पे हमारे पास आयोनिक पम्प्स होते हैं जो कि धक्के दे दे के एनर्जी के यूज से धक्के दे दे के एक आयन को दूसरी तरफ भेज देते हैं तो वो भी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं

इज़ इक्वल टू लॉग ओवर ओवर ये कॉन्सेंट्रेशन है? है और सी टू दूसरी तरफ की कॉन्सेंट्रेशन है तो हम अगर हमें दोनों तरफ की कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली exactly पता हो तो हम इस फॉर्मूले के जरिए हम बता सकते हैं कि इस मेम्ब्रेन के इस सेल मेमब्रेन के इस अगेंस्ट क्या नर्स्ट पोटेंशियल आ रहा है एंड दिस फॉर्मूला विल बी इन द नेक्स्ट चैप्टर इन डिटेल ओके कमिंग नेक्स्ट टाइम नर्स्ट पोटेंशियल के बाद हम कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं फिसिलिटेटेड डिफ्यूजन का विच विल बी डन इन नेक्स्ट लेक्चर